अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रमजान के रोजे की अहमियत, रोजा तोड़ने की सजा और उसका कफारा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों वीडियो देख के दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए और आगे जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये बात पता चले। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे रमजान के रोजे की अहमियत के बारे में, इसका अहमियत क्या है। दोस्तों रमजान के रोजे इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक बुनियाद है और सबसे ज्यादा अहम और जरूरी अहकाम में से एक हुक्म है। जानबूझकर रमजान के रोजे न रखने वाला सही मकाना से मुसलमान नहीं है। दोस्तों रोजा तोड़ने का कफारा क्या है। दोस्तों सिर्फ एक रोजा रखकर बेवजह तोड़ देने की दुनिया में सजा बदला जिससे कफारा कहते हैं वह यह है कि एक गुलाम आजाद करे या फिर 60 रोजे लगातार रखे या फिर 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त का खाना खिलाए और तौबा करे। कुरान करीम में जगह जगह और सैकड़ों हदीसे में रमजान के रोजे का जिक्र मौजूद है। अगर कोई शख्स रमजान का सिर्फ एक रोजा जानबूझकर छोड़ दे और साल में 330 दिन रोजे रखे तो वह इसका बदला नहीं हो सकता, इसके फजाइल पूरे ना हो उसका कोई नाफिल कबूल नहीं है। रमजान में रोजे न रखे तो बहुत बड़ा गुनाह है और सख्त हराम है, लेकिन उसकी फजीयत का इनकार करना यानी यह कहना कि यह कोई जरूरी काम नहीं है कुर्फ है और यह कहने वाला काफिर हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही रोजे की या रोजदारों की रोजे की वजह से हंसी उड़ाने वाला, मजाक बनाने वाला भी मुसलमान नहीं रहता है। जैसे कुछ लोग दोस्तों कहते हैं कि रोजा वह रखे जिसके घर खाने को ना हो, ऐसा कहने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। ऐसा ही यह मिसाल देने की नमाज पढ़े गए थे रोजे गले पड़ गए, यह भी कलमाए कुर्फ है। दोस्तों रमजान का तोहफा शफा, हजरत शहीद बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि हमने पहले वाला लोगों पर ईशा से लेकर दूसरी रात के आने तक रोजा होता था, जैसे कि इब्तदाए इस्लाम में भी यही दस्तूर था। अल्लाह ताला कुर्बान जाओ मोमिन, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी उम्मत को इतना कम वक्त मिला रोजे के लिए, फिर भी हम अपनी गलत फहमियों में खोए रहते हैं। याद रखना मुसलमानों, रोजगार अगर रोजा रखने की नियत कर ले अल्लाह ताला उसको भी मदद फरमाते हैं। माह रमजान का महीना अन करीब है, रोजदार अपने इरादों को मजबूत रखे, इंशाअल्लाह ताला चाहे कितने भी गर्मी क्यों ना हो रोजे पूरे जरूर रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इस्लामिक मालूमात है, जितना आपको हम बता रहे हैं दूसरे को भी आप जरूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों हमें आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।